आया था उसका रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। जितने लोगों से वोट मांगने गए थे आज वोट जाने के लिए पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं, और इतनी भीषण गर्मी के बाद भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बदलाव तो हो रहा है। बतौर मतदाता अभी आपने वोट डाला है, क्या कुछ व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाहिए? व्यवस्थाएं मुझे कई लोगों ने कंप्लेंट की है अंदर कि वोटिंग बहुत स्लो है। मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से भी कहना चाहता हूं कि वोटिंग के प्रोसेस को ठीक करें, थोड़ा स्पीडली करें। लोग वोट देने निकल रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो भी उसको ठीक करें। और मुझे लगता है, मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारी बाधाएं आपके बीच में आएंगी, बहुत जगह रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों ये चुनाव, मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव है, ये चुनाव आपके बेटे का चुनाव है, आपका बेटा, आपका भाई, जिनने आपके लिए काम किया, आपके बच्चों के लिए काम किया है, विकास के मॉडल का चुनाव है। वोट देने निकलिएगा और आपके ज्यादा संख्या में जाइए। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? और दिल्ली की 7 सीटों पर क्या जनता के बीच में घूम रहा था, मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ। लोग जो आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल इनके बीच का उम्मीदवार हूँ, जहाँ जाता हूँ सब जानने वाले लोग मिल जाते हैं, तो लोग कह रहे हैं आप टेंशन ना लो, अब की बार 10 साल के धोखे का बदला लेना है हम लोगों को।